मुजफ्फरपुर के औराई में बागमती नदी में नाव पलट गई जिसमें सवार 30 लोग डूब गए। घटना जिले के औराई थाना के मधुबन प्रताप घाट की है। लोगों की चीख पुकार सुनने के बाद स्थानीय लोग वहां पर जुट गए, जिसके बाद स्थानीय गोताखोरों और नाविकों ने सभी लोगों को बाहर निकाल लिया। वहीं 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। तीनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लोगों ने इसकी सूचना औराई पुलिस और SDRF टीम को दी। सूचना पर औराई थाना की पुलिस और SDRF की टीम पहुंची और छानबीन में जुट गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि बागमती नदी की दक्षिणी उपधारा में मधुबन प्रताप घाट पर नाव डूबा है। नाव में करीब 30 लोग सवार थे। नाव के पलटने से सभी लोग नदी में डूब गए। वहीं लोगों के शोर सुनने के बाद आसपास के लोग जुट गए, जिसके बाद लोगों ने स्थानीय नाविकों और गोताखोरों को बुलाकर लोगों को सुरक्षित निकाल लिया। हादसे की सूचना पर नाव पर सवार लोगों के परिजन भी घटनास्थल पर पहुंच गए। आपको बता दें कि सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जबकि हादसे में घायल 3 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। यहाँ के किसान लोग नदी के उस पार बागमती नदी के उत्तर दिशा में घास लाने के लिए गए थे और घास को नाव पर रखने के क्रम में नाव पलट गई, लेकिन सभी लोग सुरक्षित रहे और कहीं कोई कैजुअल्टी नहीं हुई और सब कोई हताहत कोई हताहत नहीं है, सब ठीक है, सुरक्षित है। नैया पर आदमी को रोक लिए चढ़े ला कि नैया पर इतना ना चढ़ा नैया भाई घूमत रहिए नहीं आदमी बोझा पर बोझा अपने में गाड़ी घोष सब पर करते रहिए ओकरा गाड़ी दे रही है नैया खोल दल गई है नैया कब एक बैठ गई है बैठला के बाद नैया पुल में सर लै है पुल तक आदमी लटक गए है बेपखी आदमी सब बांध थक डूबे लगल है 60-65 आदमी दोनों साइड से आदमी दौड़ के नैया से जहाँ तक भले सबके निकाल कर ऊपर घास के बोटा धार लगा आदमी नैया ऊपर आदमी लोग सारे को अभी तक आदमी सब सुरक्षित बचा है। कितना आदमी नाव पर था? 65 आदमी जी 65 आदमी एक नाव पर 65 आदमी था 65 आदमी कितना लोग बाहर निकल गए अभी तक? 100 आदमी बाहर निकल गए। कोई हताहत कोई घटना नहीं ना है? कोई घटना नहीं है। क्या नाम हुआ? दिनेश।